नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम समझेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के बीच क्यों हो रहा है टकराव, क्यों दोनों सरकारें हैं एक दूसरे के आमने सामने, और क्यों केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लेकर हो रही है सियासत। दोनों ही सरकारों के बीच ये टकराव हो रहा है येलगार परिषद की जांच को लेकर। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है। अब तक ये जांच पुणे पुलिस कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम को अपने अधिकारों पर अतिक्रमण बताया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, येलगार परिषद थी क्या और क्यों वो जांच एजेंसियों की घेरे में है। 31 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के पुणे में एक येलगार परिषद का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इस येलगार परिषद में जातीय हिंसा की रणनीति बनाई गई थी, जातीय हिंसा कराने के लिए साजिश रची गई थी। इसी परिषद के अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जातीय दंगे भड़क उठे थे। येलगार परिषद पुणे के शनिवारवाड़ा किले में आयोजित की गई थी और इनके आयोजकों में करीब 250 के आसपास गैर सरकारी और सामाजिक संगठन शामिल थे। इस परिषद में करीब 35,000 के आसपास लोग शरीक हुए थे और परिषद के दौरान कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए थे। दंगों के सिलसिले में पुणे पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 9 लोग समाज के जाने माने लोग रहे हैं जो कि जाने जाते हैं जन अधिकारियों के संघर्ष के लिए। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस ने इन पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया। जब ये दंगे हुए थे उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र सरकार बदल गई। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की जगह शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो महाअघाड़ी बनी उससे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए। अब शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर मांग की कि जिन लोगों को येलगार परिषद के सिलसिले में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर पिछली सरकार ने यानी कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जानबूझकर उनको फंसाने की साजिश रची है और इसलिए इनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए और इसकी खातिर महाराष्ट्र सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनानी चाहिए। शरद पवार के सुझाव पर महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुणे पुलिस को आदेश दिया कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके मामलों की समीक्षा की जाएगी और उन्होंने पुणे के पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये पूछा कि आखिर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ पुणे पुलिस के पास क्या सबूत हैं। अभी ये समीक्षा की प्रक्रिया पूरी ही ना हुई थी कि केंद्र सरकार ने झटपट इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक 2 साल बाद केंद्र सरकार को इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की क्या सूझी। इस मामले को माना जा रहा है कि एक तरह से ये केंद्र सरकार का राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण है, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी या इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वैसे एनआईए एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने आप फैसला ले सकती है और किसी भी जांच को एनआईए के अधीन सौंप सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मामले की जांच राज्य सरकार ठीक ठाक तरीके से करवा रही थी और केंद्र सरकार ने जो हरकत की है वो असंवैधानिक है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कानूनी राय लेकर अगला कदम उठाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनाई गई महाविकास आघाड़ी की सरकार के अब तक के कार्यकाल में ये दूसरा ऐसा मौका है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे NRC और CA के विरोध में बोल चुके हैं। ABP News आपको रखे आगे।